हमेशा प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स देख के खरीदना चाहिए, देखना चाहिए कि उसके अंदर हार्मफुल केमिकल तो नहीं है। आज तक मैं यही बात हमेशा आप लोगों को बताती आई हूँ, यही बात सच है। हमेशा प्रोडक्ट को इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देख के ही खरीदें। आज की जो वीडियो है वो बहुत हाईली 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 रिक्वेस्टेड वीडियो है, लेकिन जो प्रोडक्ट आज मैं बताने जा रही हूँ ना, उसके अंदर केमिकल है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, बना देती हूँ। नहीं यार, कैसे बना सकती हूँ, मैंने आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों को बताया ही नहीं है जिसके अंदर केमिकल हो, कभी बोला ही नहीं है कि आप केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करो, तो कैसे मैं वीडियो बना सकती थी। लेकिन जो पिछले एक साल से आप लोग मेरे पास कमेंट्स किए जा रहे हैं कि हमें पिंक सनसिल्क शैम्पू के बारे में बताएं, क्योंकि इस शैम्पू के बारे में मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया है एक दो वीडियो में, लेकिन कभी डिटेल में नहीं बताया, नहीं बताया कि आखिर मैंने इस शैम्पू को यूज क्यों किया, क्या रीजन था। लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसके ऊपर डिटेल से आप लोगों के साथ बातें करूं। हाजिर हूं मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, ध्यान में हमेशा एक बात ध्यान में रखें, आपका एक लाइक मुझे बहुत खुशी देता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मुझे लगता है कि लाइक देख के हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो मुझे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनानी चाहिए, और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब आप सोच लें कि आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है। जितने लाइक देंगे, जितनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी, उतनी ज़्यादा मैं डबल मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। एक प्यारी सी स्माइल के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब मुझे शौक चढ़ा हुआ था कि हाँ मुझे तो जैसे तैसे करके अपने हेयर्स को लंबा करना है, उस टाइम पे सिर्फ एक बात पता थी कि हेयर को वॉश करने के लिए शैम्पू की जरूरत होती है। घर के बाथरूम में सिर्फ एक ही शैम्पू था, वो था ये, सभी लोग इसी को यूज करते थे, तो मैंने भी इसी को लगाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल भी नहीं पता था कि जब भी आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं, लगाने जा रहे हैं अपनी स्किन पे या फिर अपने हेयर पे, सबसे पहले आपको उसके इंग्रेडिएंट की लिस्ट चेक करनी चाहिए। बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ए बी सी कुछ भी नहीं पता था, बस शैम्पू देखा, उठाया और लगाना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ एक बात बताते कि जब आप कोई प्रोडक्ट यूज करने जा रहे हैं तो उसको कम से कम 1.5 से 2 साल तक पक्का यूज करें। ये नहीं कि एक महीने ये लगाया, दूसरे महीने वो, फिर 5-6 महीने कोई और प्रोडक्ट लगा दिया। सिर्फ यही कारण था कि मैंने इसको 5 साल तक यूज किया। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। पहली बात मुझे इसकी ये अच्छी लगी कि ये लैब टेस्टेड है, कोऑपरेशन के साथ आता है, हेयर स्टाइलिस्ट एक्सपर्ट जो होते हैं उनके द्वारा इस शैम्पू को बनाया गया है। इसके अंदर है कैरेटिन योगर्ट जो आप स्पा में जाते हैं ना, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करवाते हैं, कैरेटिन ट्रीटमेंट, जिससे आपके हेयर शाइनिंग अच्छे बिल्कुल ग्लोसी बन जाते हैं। इस शैम्पू को यूज करने के बाद भी आपके हेयर शाइनी बनेंगे, क्योंकि जब भी मैं इसको यूज करती थी मेरे हेयर में जो शाइन आती थी, काफ़ी अच्छी शाइन आती है इसको यूज करने के बाद। क्या क्लेम करता है, ये आपके हेयर को थिक बनाएगा, घना बनाएगा, लॉन्ग बनाएगा। अगर आपके हेयर में वॉल्यूम नहीं है, बाउंस नहीं है आपके हेयर में, इसको लगाने से आपके हेयर थिक, लॉन्ग, बाउंसी और वॉल्यूम उनके अंदर आ जाएगा। और ये बात सच है। जब मैं थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको, जब मैं जॉब करती थी तब मैं इस शैम्पू को लगाती थी। गर्ल्स स्कूल में मैं जॉब करती थी, तो वहाँ पे जब भी मैं क्लासरूम में जाती थी तो एक दो लड़कियाँ पूछती थी कि मैम आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं, क्योंकि आपके हेयर दिन भर दिन इतनी फास्ट, इतनी जल्दी से आपके हेयर लंबे होते जा रहे हैं। तो हाँ, उस टाइम मुझे लगा था कि ये शैम्पू मेरे लिए बेस्ट है, और यही कारण था कि मैंने इस शैम्पू को 5 साल तक यूज किया, क्योंकि इतना जल्दी इसने मेरे हेयर को लंबा किया है, बहुत बहुत फास्ट तरीके से। लेकिन इसके अंदर केमिकल है, इसके अंदर सल्फेट है, इसके अंदर PEG है, लेकिन इसके अंदर मिनरल ऑयल नहीं है, पैराबिन भी नहीं है और अल्कोहल भी नहीं है। दो केमिकल
मैंने पूरी सर्च की है, सिर्फ मुझे इसके अंदर दो केमिकल लगे हैं जो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, सल्फेट और PEG। लेकिन अगर मैं सीरियसली आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने इसको 5 साल यूज किया है, मुझे बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ। और उस टाइम पे तो मैं रेमेडी कभी यूज करती थी नहीं करती थी, सिर्फ दही लगाती, दही लगाई और इस शैम्पू के साथ वॉश कर दिया। कंडीशनर भी यूज़ नहीं करती थी मैं उस टाइम पे। तो मुझे तो है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ भाई, मुझे नेगेटिव पॉइंट मेरे हेयर्स पे बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। अब भी मेरे हेयर बिल्कुल भी वाइट नहीं है। ये बोलते हैं ना, सल्फेट हेयर्स को वाइट करता है, हेयर लॉस कर देता है, लेकिन नहीं, इस शैम्पू ने मेरे हेयर पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस शैम्पू को उठा के ले आए, आप इस शैम्पू को लगाना स्टार्ट कर दें। कैसे बोल सकती हूँ यार मैं आप लोगों को, जो मैं आज तक बोलती आई हूँ कि हम केमिकल फ्री चीज़ यूज करें, केमिकल फ्री यूज करें, केमिकल फ्री। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक उद्देश्य था, आप लोगों ने मुझे फोर्स किया था, 1 साल से आप बोले जा रहे थे कि डिटेल में पिंक सनसिल्क शैम्पू के बारे में बताएं, और कोई उद्देश्य नहीं था। रीज़न बताना चाह रही थी कि मेरा खुद का रीज़न क्या था कि मैं शैम्पू को यूज किया, बस। मैं अब भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये शैम्पू यूज करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर केमिकल है, अब ये आपके ऊपर है कि आप इस शैम्पू को यूज करना चाहते हैं नहीं। मैंने बस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, सिर्फ आप लोगों के कहने पे ही। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था वीडियो को बनाने का, आप लोगों के कहने पे मैंने वीडियो बनाया है और ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्या आप पिंक सनसिल्क शैम्पू यूज करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक और प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।